नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवार एजुटेक यूट्यूब चैनल। सबसे दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस ईयर फाइनल रिजल्ट की दोस्तों तारीखें घोषित हो चुकी है, यानी कि रिजल्ट की जो डेट कंफर्म हो चुकी है। तो आज की बहुत बड़ी अपडेट सामने आई दोस्तों, आज की न्यूज़पेपर की आपको खबर बताने वाला हूँ। और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी रह चुके हैं उनके रिजल्ट दोस्तों कब तक जारी होंगे, तो एक यूनिवर्सिटीज की दोस्तों बहुत बड़ी यहाँ पे खबर आई है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो ये बात करते हैं क्या महत्वपूर्ण अपडेट और कब तक आप लोगों के जो रिजल्ट है जारी किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है आज की बहुत बड़ी अपडेट, यानी कि न्यूज़पेपर की ही खबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रहे हैं कि इसी माह जारी होंगे सभी परीक्षाओं के परिणाम, यानी कि बीए और बीएससी साथ साथ बीसीए और एमए एमएससी एमकॉम के सभी रिजल्ट इसी माह में जारी होने की संभावना है। और यदि इसी माह में कुछ रिजल्ट रह जाते हैं वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जारी किए जाएंगे। अब शुरू होंगे बड़े स्तर के रिजल्ट, यानी कि बीए और बीएससी के रिजल्ट आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो 20 तारीख से पहले पहले आपको बीएससी का रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है, उसके बाद में बीए के रिजल्ट, फिर एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ बीसीए का रिजल्ट भी दोस्तों 20 और 25 जून के आसपास आने वाला है। विद्यार्थी अपने आगे के प्लान समय बर्बाद किए बिना कर सकेंगे आवेदन, यानी कि आपके रिजल्ट दोस्तों जल्द जारी किए जाएंगे। और बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। पहले इस खबर के बारे में जानते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटीज के संगठक कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम खत्म होने से पहले रिजल्ट जारी करने का दौर शुरू हो चुका है, यानी कि आपके एग्जाम हो रहे हैं उसी के साथ साथ आपके रिजल्ट भी जारी किए जा रहे हैं। जैसे हम बात करें बीकॉम के, तो बीकॉम की परीक्षा होने के चलते ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के रिजल्ट जारी कर दिए गए। अब वहीं एग्जाम खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि नए सत्र समय से शुरू हो सके, यहाँ से जो पास आउट होने वाले जो भी छात्र रहेंगे आगामी परीक्षाओं में तैयारी कर सके। इसे ध्यान में रखते हुए जून में ही ज्यादातर रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे जारी किए जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन की ओर से 31 मई से स्नातक परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया था। परीक्षा नियंत्रण ने कहा है कि छात्रों के जो अपने आगामी करियर का जो परीक्षा है, जो परिणाम की वजह से देरी ना हो, इसलिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रयास रहता है कि समय पर परीक्षा परिणाम जारी हो जाए। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटीज में सत्र 1 जुलाई से 30 जून का होता था, लेकिन कोरोना की वजह से बीते कुछ सालों में डिस्टर्बेंस हुआ है। इसकी वजह से है कि 30 जून की बजाय अगस्त से सितंबर तक सेशन यहां पे एक्सटेंड हुए हैं। इसे कवर करने के लिए प्रयास में तहत विश्वविद्यालय की जो इस बार परीक्षा 16 मार्च से शुरू कर दी गई थी, यानी कि जो 9 जून तक चली थी। इन पाठ्यक्रम करीब 5 लाख छात्र अध्ययनरत हैं, जिनका रिजल्ट जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने के विश्वविद्यालय प्रशासन में जुटा हुआ। बीकॉम के सभी रिजल्ट आ चुके हैं, बाकी कक्षाओं के तो मूल्यांकन कार्य धीरे धीरे पे हो रहे हैं, और वहां से जैसे आपके मूल्यांकन कार्य कंप्लीट होंगे वैसे वैसे आपके रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे। अब यहाँ पे कोई भी परेशानी आपकी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी जो रिजल्ट है वो जल्द जारी किए जाएंगे। साथ साथ एमए एमएससी प्रीवियस ईयर के कुछ रिजल्ट दोस्तों आ चुके हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस का हो चुका है, जियोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी और गारमेंट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का दोस्तों इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो बाकी का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है, ये ऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, यानी कि जैसे हम बात करें सेकावाटी यूनिवर्सिटी ने कहा कि 10 जून को बीकॉम का पहला परिणाम जारी किया जाएगा, बट अभी तक 10 जून को रिजल्ट नहीं आया और 10 जून भी जा चुके हैं कि सेकावाटी यूनिवर्सिटीज के जो परीक्षा नियंत्रण जो बात की तो बिल्कुल क्या निकले यहाँ पे गलत निकले, यानी कि अब दोस्तों रिजल्ट आपको वेट करना होगा। लगभग 15 और 20 तारीख के आसपास बीकॉम के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बीएससी के रिजल्ट आएंगे, फिर बीए के रिजल्ट आएंगे। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देरी होने वाले हैं, लगभग जुलाई के अंदर आपके रिजल्ट आने वाले हैं सेकावाटी के। बात करें आरआर यूनिवर्सिटीज को, तो बीएससी के रिजल्ट है लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पे, जून के लास्ट तक बीएससी के रिजल्ट आएंगे, फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में बीए के रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे, फिर आपके एमएमएससी एमकॉम प्रीवियस ईयर फाइनल के रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। साथ साथ बात करें एमएसबीयू का, बीसीए का रिजल्ट आ चुके हैं कंप्लीट के, बीबीए का रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में आप बीकॉम और बीएससी का रिजल्ट दोस्तों जून में ही देखने के लिए मिलने वाला है। और आरआर यूनिवर्सिटी यानी कि मद्रास यूनिवर्सिटी की बात करें, तो बीकॉम के रिजल्ट कंप्लीट आ चुके हैं और बीएससी का जो रिजल्ट है जून के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। बात करें कोटा यूनिवर्सिटीज का, बीकॉम का रिजल्ट आ चुका है, एमजीएससी का बीकॉम का आ चुका है, फाइनल ईयर का सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दोस्तों आपका जल्द जारी किया जाएगा। साथ साथ एमडीएससी का भी यहाँ पे बीकॉम का रिजल्ट जल्द जारी करने की संभावना है। एमएलएसयू की बात करें, तो इनके रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे बीकॉम के जल्द ही जून के लास्ट तक। और जो बात करें जेजेटू यानी कि इसने एमए के 2 रिजल्ट जारी कर दिए गए, बीकॉम के रिजल्ट भी दोस्तों यहाँ पे जून के लास्ट तक जारी किया जाएगा।
तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की बात कराऊँ तो सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगी सबसे पहले आपको अपडेट दी जाएगी। तो आप बने रहिए लगातार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और किसी भी छात्र का जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पहुँच सकते हैं। थैंक यू।